सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप के यूज करके कुछ इस टाइप का ड्यूअल फोटो एडिटिंग सिखाना वाला हूं। ओके, एंड ये वाला फोटो एडिटिंग आज हम लोग बहुत इजी स्टेप पर सिखाने वाले। सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाला है। इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। इस चैनल पर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। ओके, और मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के आप पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर शेयर करके ओपन कर चुका हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना। ओके, एंड ये वाला बैकग्राउंड एंड जो भी पीएनजी का यूज करना है वो ये वाला वीडियो के अंदर, सारे का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से सारे पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड को ओपन तो कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग को ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके आप लोगों का फोटो यानी कि मॉडल को ऐड कर लेना है। सो आज का हम लोग मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला मॉडल का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। एंड ये वाला मॉडल का मैं पहले से बैकग्राउंड को इरेज करके रख दे हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं कैसे बैकग्राउंड को इरेज करना है तो इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है चैनल पर। ओके, वाला वीडियो को लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाला वीडियो को देख लेना एंड बैकग्राउंड को स्टेप से इरेज कर लेना। ओके, स्टेप से बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आप लोग को ये वाला मॉडल का दो पार्ट बनाना है, यानी कि दो डुप्लीकेट क्रिएट करना है। ओके, तो इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, पे आप लोग को मिल जाएगा डुप्लीकेट, इसको ऊपर आप लोग टैप कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग को हल्का सा छोटा कर लेना है एंड इसको आप लोग को बड़ा कर लेना है। ओके, इस टाइप से इसको बड़ा करने के बाद आप लोग इरेजर टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद इसका हार्डनेस को आप लोग को ऑन पे रख लेना है एंड साइज को आप लोग को बढ़ा के कुछ स्टेप से आप लोग को इरेज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इरेज कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लूँगा। राइट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इसका ऑफिसर को कम ज़्यादा कर लेना, तो मैं आप इसका ऑफिसर रख देता हूँ 74। ओके, और अब मैं यहाँ पे ये वाला मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा, छोटा मॉडल को आप लोग इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जाना है ऐड फोटो के अंदर एंड ये वाला शैडो पीएनजी को आप लोग को ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ जो भी पीएनजी का यूज करने वाला हूँ सारे का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये वाला शैडो पीएनजी को आप लोग को मॉडल का नीचे रखना है, यानी कि आप लोग को मूव डाउन कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे मूव डाउन कर लेता हूँ एंड कुछ स्टेप से यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ओके, एंड इसका भी मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं फिर से इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो स्टेप से आप लोग को नीचे रखना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं शैडो भी क्रिएट हो चुका है। सो स्टेप से आप लोग शैडो को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। ओके, एंड सेफ ये वाला फोटो आप लोग थोड़ा सा रिटचिंग कर लेना है, तो फोटो को रिटचिंग करने के लिए आप लोग को ये वाला फोटो को आप लोग ओपन कर लेना लाइट मैप के अंदर। ठीक है, तो ये वाला फोटो को तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेव कर लूँगा इस वाला टूल के अंदर क्लिक करके एंड यही वाला फोटो को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा रिटचिंग करने के लाइट मैप के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे तो देख सकते हैं मैं फोटो को लाइट मैप के अंदर डायरेक्टली ओपन कर लिया। ठीक है, सो आप लोग फोटो को लाइट मैप के अंदर ऐड करके ओपन कर लेना। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो लाइट मैप के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप लोग को लाइट वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना। ओके, क्लिक करने के बाद इसका शैडो को आप लोग को हल्का सा बढ़ाना है। ठीक है, इतना, यानी कि आप लोग फोटो के हिसाब से बढ़ा लेना एंड इसका हाईलाइट को आप लोग को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका हाईलाइट को 37 रख लिया एंड इसका ब्लैक को भी आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका ब्लैक को रख देता हूँ 12। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ मिक्स टूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा मिक्स टूल, इसको पर आप लोग टैप करना है एंड इसका टेम को आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका टेम को रख देता हूँ 10। ठीक है, 10 रखने के बाद आप लोगों को जाना है मिक्स टूल के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा मिक्स टूल, इसको ऊपर आप लोग टैप कर लेना है। जाना है आप लोगों को ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर का आप लोगों को सैचुरेशन को माइनस करना है एंड इसका लुमिलियंस को आप लोगों को बढ़ाना है। जितना ही आप लोग लुमिलियंस बढ़ाओगे उतना ही आप लोगों को फोटो का फेस व्हाइट हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से आप लोग फोटो का फेस को व्हाइट कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ येलो कलर के अंदर एंड येलो कलर का मैं यहाँ पे सैचुरेशन का बढ़ा लूँगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर का भी सैचुरेशन को मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा एंड इसका ह्यू को आप लोग को माइनस की तरफ रखना है। ओके, फोटो के हिसाब से रख लेना। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर, ब्लू कलर का सैचुरेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यानी कि मैं यहाँ पे -100 ही कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वही रख लेना। ओके, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डन पे क्लिक।
डन पे क्लिक करने के बाद मैं आप जाता हूँ इफेक्ट टूल के अंदर। एंड इफेक्ट टूल के अंदर आने के बाद इसका टेक्सचर को आप लोग को बढ़ाना है, ठीक है। इसका टेक्सचर को आप लोग को 43 रख लेना है एंड इसका क्लियरिटी को आप लोग को बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आप इसका क्लियरिटी को देता हूँ 19%, ओके। एंड इसका बिग नोट को आप लोग को माइनस का तरफ रखना है, तो इसका बिग नोट को मैं आप पे 58 रख लिया, ओके। अब मैं जाता हूँ इस बार टूल के अंदर। इस वाला टूल के अंदर आने के बाद इसका शार्पनिंग को आप लोगों को बढ़ाना है एंड इसका नॉइज डिटेक्शन को भी आप लोगों को हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो फुल रेडी हो चुका है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर हो चुका है थोड़ा सा रिटचिंग करने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग फोटो को रिटचिंग कर लेना लाइट मैप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोगों को सेट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। सेव टू डिवाइस के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव करना है गैलरी के अंदर, ओके। सो गाइस, ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।